नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम निफ्टी और निफ्टी से जुड़े हुए स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं कि क्या लेवल इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए और जो स्टॉक्स निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनके लिए। दोस्तों देखिए, निफ्टी की आज की हमारी ओपनिंग हुई है 14628 पे। आज का हमने हाई लगाया 14875 का। आज का जो हमारा लो है वो 14620 का है और हमारी क्लोजिंग हो गई है 14845 के आसपास, हमने आके क्लोज दे दिया है। तो कल की वीडियो में मैंने यही आप लोग को बताया था कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 14880 से लेकर के 14900 के बीच में हमें एक रेजिस्टेंस देखने को यहाँ पे निफ्टी में मिल सकता है। और ओपनिंग जैसा कि मैंने क्लियर कट आप लोग को बताया था कि 14670 के ऊपर हमारा यहाँ पे बाइंग जनरेट होगा, जो कि हमें 14720 से लेकर 750 के आसपास तक लेके जा सकता है। इंट्राडे में मैंने आप लोग को चार्ट पोस्ट किया था अपने प्रीमियम ग्रुप में, ये ट्रेंड लाइन मैंने पोस्ट की थी। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमारा जो रेजिस्टेंस मैंने पोस्ट किया था वो रेजिस्टेंस हमारा यही था, 14880 के आसपास हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस है। और उसी रेजिस्टेंस के पास जाके हमने यहाँ पे देखिए होल्ड किया है और डायरेक्ट हमने जब ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद हमें यहाँ पे 100 पॉइंट के मूवमेंट निफ्टी यहाँ से हमें देखे गया। तो निफ्टी में देखिए 15 मिनट के चार्ट पे बहुत अच्छा ये जो ट्रेंड लाइन थी, बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रही थी। उसके बाद में जो मूवमेंट बनी वहाँ पे निफ्टी ने एक बहुत अच्छी चाल यहाँ पे निफ्टी में देखने को मिली। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप प्रीमियम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं और अगर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको हमारे लिंक से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना है और वहाँ पर जाके आपको ट्रेड करना है। डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद अपने डीमेट अकाउंट में आप फंड ट्रांसफर कर लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट और जो आपका लॉगिंग आईडी है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहां पे आप सेंड करेंगे तो आपको हमारे प्रीमियम ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। अब देखिए, निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो यही है 14880 के आसपास हमारे पास एक रेजिस्टेंस है निफ्टी में, ठीक है। 14880 के पास रेजिस्टेंस है, हमने आज की क्लोजिंग दी है 14845 के आसपास। तो कल की मूवमेंट तभी डिसाइड होगी जब हम इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलना स्टार्ट करते हैं, यानी कल का ट्रेड हम तभी लेंगे जब हम 14880 के ऊपर ट्रेड करने लगे। थोड़ी देर अगर 2-3 मिनट रुक जाए तो बहुत अच्छा है, ज़्यादा गैप अप ना ओपन हो, हम इसी जगह पर कहीं पर ओपन हो और यहीं से अगर भागेंगे तो ये चाल बहुत अच्छी देखने को आपको मिलेगी। तो हमारा टारगेट जो हो जाएगा उसके बाद टारगेट हमारा रहेगा 14930 का, उसके बाद 14980 और फिर उसके बाद हमारा टारगेट जो रहेगा वो होगा 15020 का। जैसा कि मैंने कहा 15020 हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो वहाँ तक जा सकते हैं। अगर हमने 14880 को क्रॉस किया तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये 50 पॉइंट दूर रहेगा जो कि 14930 का है। उसके बाद हमारा टारगेट 14980 का यहाँ पे निफ्टी में रहेगा। निफ्टी में जो अब अगला रेजिस्टेंस निफ्टी में मिलेगा, पहले मैं ये डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इसके चार्ट को जरा थोड़ा सा आवरली में कन्वर्ट कर देता हूँ जिसको आपको आसानी से दिखेगा। सॉरी, ये डेली हो गया है तो मैं इसको आवरली में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अगर हम यहाँ से निकलते हैं तो अब हमारी मूवमेंट स्टार्ट होगी, यहाँ तक मूवमेंट हम जा सकते हैं 15000 के आसपास। जो ये रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं 15020-15030, हम यहाँ तक निकल सकते हैं, यानी अगला टारगेट हमारा यहाँ पे होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आज की क्लोजिंग, आज का लो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज के लो के नीचे हम क्लोज नहीं करते हैं तब तक थोड़ा सा स्ट्रांग हैंड में ही हम रहेंगे और हमें ज़्यादा चांसेस है कि हम 15020 के आसपास तक पहुँच सकते हैं। तो ये नज़र बना के रखिएगा, यहाँ पर इसके ऊपर अगर हम ट्रेड करते हैं 14880 के ऊपर तो ये मूवमेंट के लिए हमें तैयार रहना चाहिए कि 15020 का जो हमारा आखिरी टारगेट है वो यहाँ पर मिल सकता है। अगर इसके ऊपर हम क्लोज करते हैं फिर टारगेट हमारा 15400 के आसपास का रहेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट कि हम इसके ऊपर पहले जाके क्लोज करें। इसके ऊपर क्लोज करना हमारे जरूरी है, एक आवरली चार्ट पे इसके ऊपर की क्लोजिंग होती है तो फिर 15400 के टारगेट यहां पे निकल के आएंगे निफ्टी में। तो निफ्टी में नजर बना के रखिएगा, 14880 के ऊपर निकलते हैं तब। अब निफ्टी मान लीजिए कल ऊपर न जाके नीचे की साइड में मूवमेंट करता है तो नीचे की साइड में ध्यान रखिएगा मूवमेंट यहां पे नीचे की साइड में तभी होगी जब हम अब निफ्टी में सेल साइड में देखिए, सेल साइड में व्यू हमारा तभी बनेगा जब निफ्टी यहाँ पे 14750 के नीचे ट्रेड करेगा, जो कि काफ़ी दूर है। ये ध्यान रखिएगा, 14750 के नीचे ही मेरा व्यू बनेगा सेल करने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि निफ्टी कल इसी जगह पे ओपन होते हैं, हम इसी लेवल में ओपन होते हैं और यहाँ पर काफ़ी देर तक कंसॉलिडेट करने के बाद में अगर हम इस लेवल को भी ब्रेक कर देते हैं, यानी 14800 के नीचे हम ट्रेड करने लगते हैं, तो एक मूवमेंट आपको छोटा सा मूवमेंट मिल सकता है जो कि आपको लेके आएगा 14800 के बाद हमें लेके आएगा वो 14760 के आसपास में, और उसके बाद हमारा टारगेट होगा 14710 का। इस टारगेट के पास में लेके आपको आ सकता है। अगर हम इसी रेंज में ओपन होने के बाद 10-15 मिनट इसी रेंज के अंदर में बिताते हैं और नीचे की साइड में ब्रेक करते हैं तब ये हमारा टारगेट देखने को आपको मिल सकता है। अब चलिए देख लेते हैं कि निफ्टी में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो निफ्टी को ऊपर और नीचे ले जाने में मदद कर सकते हैं। तो पहला स्टॉक्स हमारा यहाँ पे होगा वो है अदानी पोर्ट का। अदानी पोर्ट में देखिए सपोर्ट जो है वो 650 के आसपास में, तो अभी यहाँ पे कोई व्यू नहीं है। एशियन पेंट पे यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है, जैसे लास्ट सेशन में ये ब्रेकआउट हुआ था, तो अब
आज के हाई के ऊपर अगर निकलता है तो कल इसमें फिर से बाइंग बन सकती है। बजाज ऑटो इंतजार कीजिए, अगर ये 3700 के ऊपर क्लोज करे तो लेके जा सकते हैं 3880 के टारगेट के लिए। बजाज फिनसर कुछ नहीं करना है, बजाज फाइनेंस में भी कुछ नहीं करना है। भारतीय एयरटेल वेट कीजिए, 540 के ऊपर क्लोज करने दीजिए। BPCL सपोर्ट लेवल है 400-410 के आसपास में। ब्रिटानिया में एक ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है तो ब्रिटानिया को कल आप बाइंग कर सकते हैं। सिप्ला जो रेजिस्टेंस है वो 820 के आसपास में है तो इसको भी देख सकते हैं। कोल इंडिया अगर 120-125 के बीच में कंसोलिडेट करे, ऐसे निकलेगा तब नहीं, यहाँ पे 3-4 दिन रुकेगा उसके बाद यहाँ पे कोई व्यू बनाऊंगा मैं कोल इंडिया में। डिवीज लैब में ट्रेंड लाइन का एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है तो डिवीज लैब को कल के सेशन में आप देखिएगा। आज के हाई के ऊपर अगर निकलता है यानी 3602 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे एक मूवमेंट बन सकती है जो कि इसको 3650 के पास तक लेके जा सकती है। दोस्तों अगर आप भी हमारे सपोर्ट ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है। डॉक्टर रेड्डी में भी एक अच्छी मूवमेंट है लेकिन यहाँ पे बेस्ट मूवमेंट 4600 के बाद ही मिलेगी। आइसर मोटर में अभी मुझे कुछ नहीं करना है, आइसर मोटर में अभी इंतजार करना है। आइसर मोटर देखते हैं उसके बाद, अभी आइसर मोटर अगला स्टॉक्स हमारा आइसर मोटर, तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना है। गेल में भी इंतजार कीजिए, कुछ नहीं करना है। ग्रासिम यहाँ पे देखिए टॉप के पास में रुका हुआ है तो यहाँ पे छोड़ दीजिए। सेल टेक्नोलॉजी आज अच्छी मूवमेंट हुई है लेकिन ध्यान रखिएगा 1000-1020 के आसपास रेजिस्टेंस मिलेगा इसको भी। HDFC लिमिटेड यहीं से घूम गया हैमर देख के ये, अब इसके लिए लेकिन ये ध्यान रखिएगा रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो मिलेगा 2670 के आसपास में HDFC लिमिटेड में। HDFC लाइफ 660 के पास से ये भी घूम गया लेकिन कुछ नहीं कीजिए, वेट कीजिए अभी। हीरो मोटो को आप कुछ नहीं करना है। हिंडाल्को में भी थोड़ी देर वेट करते हैं। हिंडाल्को हिंदुस्तान यूनिलीवर काफ़ी अच्छी मूवमेंट कर रहा है, मुझे लग रहा है ये ऑल टाइम हाई को जल्दी क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है तो यहाँ पे नज़र बना के रख सकते हैं क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो है 2500-2550 के बीच में, तो इस मूव में 2500-2550 के बीच का नज़र बना के आप रख सकते हैं। इन्फी में एक ब्रेकआउट की तैयारी हो सकती है, 1404 के ऊपर क्लोज करेगा तब। IOC रेजिस्टेंस के सपोर्ट के आसपास यहाँ पे रुका हुआ है तो देखते हैं, अगर 2-3 दिन और 1-2 दिन और रुक जाए उसके बाद रेंज को ब्रेक करेगा तब आप बाइंग कर सकते हैं। ITC वेट कीजिए। JSW स्टील कल के सेशन में ही बताया था कि एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगी जिसके बाद पोजीशन है वो होल्ड करके रख सकते हैं। LNT में थोड़ा सा वेट कीजिए, LNT में जिसके पास पोजीशन है वेट कर सकते हैं, 1450-1460 के आसपास तक ये जा सकता है। मारुति में कुछ नहीं करना है, M&M में भी कुछ नहीं करना है अभी। नेस्ले वेट करना है, नेस्ले बड़ा स्टॉक है तो अभी फिलहाल वेट करेंगे क्योंकि अगला रेजिस्टेंस 1760 के आसपास में मिलेगा इसमें। NTPC 100 के आसपास मिले तो इसको बाइंग कर सकते हैं लेकिन कंसोलिडेट करने के बाद ही बाइंग कीजिएगा। ONGC में भी सेम सिचुएशन है। पावर ग्रिड में भी जो सपोर्ट है वो 210 के आसपास में है। रिलायंस इंडस्ट्रीज कुछ नहीं करना है अभी। SBI लाइफ में भी कुछ नहीं करना है, इसका जो सपोर्ट है वो 840 के आसपास है। श्री सीमेंट ऑलरेडी एक ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है तो इसके पे जिसके पास पोजीशन है वो रख सकते हैं 30,000-31,000 के टारगेट के लिए। सन फार्मा कल एक बेस्ट मूवमेंट सन फार्मा में मिल सकती है क्योंकि नीचे से आज काफ़ी अच्छी मूवमेंट यहाँ पे हुई है तो सन फार्मा को कल के सेशन में बाइंग कीजिएगा 601 के ऊपर निकलता है तो। टाटा मोटर 300 का रजिस्ट पहले सपोर्ट था, अब वही रजिस्टेंस होगा तो अब इसमें मूवमेंट तभी आएगी जब ये 310 के ऊपर क्लोज करेगा उसके बाद ही। टाटा स्टील एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे भी चल रही है तो टाटा स्टील को कल के सेशन में देख सकते हैं। TCS थोड़ा सा वेट करेंगे, TCS में अभी कुछ नहीं करेंगे। टेक महिंद्रा में भी वेट करेंगे। टाइटन में जैसा कि मैंने बोला था कि 1530 के ऊपर एक मूवमेंट यहाँ पे मिल सकती है जो कि इसको लेके जाएगी 1600 के आसपास तक, तो ये नज़र बना के रखिए क्योंकि ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस को इसने आज ब्रेक किया है तो पहला टारगेट इसने 1580 और 1600 के टारगेट यहाँ पे बन रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट अगर इस 7000 के ऊपर निकले तो इसको भी लेके जा सकते हैं। UPL में कल के सेशन में एक मूवमेंट देखने को मिलेगी लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि 640 के ऊपर क्लोज करेगा तब यहाँ पे आपको डेली चार्ट पे उसके बाद आप इसको पोजीशन होल्ड करके जा सकते हैं। 620 का SL लगाइए और 680 के टारगेट के लिए। विप्रो कुछ नहीं करना है क्योंकि रेंज में फंसा हुआ है तो रेंज के बाहर निकलेगा उसके बाद हम विप्रो को देखेंगे। दोस्तों अगर आप भी फ्री स्टॉक्स मार्केट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आपको जीरोधा एंजल ब्रोकिंग अप स्टॉक से अलायंस ब्लू में से किसी एक में अकाउंट ओपन कीजिए और अकाउंट ओपन होने के बाद अगर एक्टिव होकर आप वहाँ पर ट्रेड करते हैं तो आप हमारी फ्री ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।